नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे गंभीर विषय पे, और गंभीर विषय है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर साथियों जीवन में लोगों की जिंदगी खराब कर देता है, लोगों को तकलीफ पैदा करता है, यह गंभीर विषय है। आज हम बताएंगे आपको साथियों बाइपोलर डिसऑर्डर को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। बाइपोलर डिसऑर्डर साथियों, जिसको कि मैनिक डिप्रेशन भी कहा जाता है, यह एक बड़ा गंभीर विषय है। बाइपोलर डिसऑर्डर में साथियों क्या होता है कि व्यक्ति का मूड स्विंग होता है। एकदम से व्यक्ति बिल्कुल खुश हो जाता है और एकदम से व्यक्ति बिल्कुल दुखी हो जाता है। यह जो मूड स्विंग्स होते हैं, इसी को बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में साथियों सबसे पहले तो एक खुशी की बात आ सकती है, जिसको कि हाइपोमेनिक कहते हैं या मेनिया कहते हैं। यह जो है होता है व्यक्ति बहुत जॉयफुल हो गया, बहुत रेस्टलेस हो गया, बहुत खुश हो गया, बहुत खुशियां मना रहा है, और एकदम से वो फिर डिप्रेशन में चला जाता है। तो यह जो अंतर्द्वंद होता है बहुत ज्यादा खुश होने का, जिसमें कि जो है मेनिया या हाइपोमेनिया, ये दो बातें हैं, यह दोनों होती है या फिर डिप्रेशन होता है। बात कर लेते हैं साथियों बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स की। बाइपोलर डिसऑर्डर साथियों सिम्टम्स के हिसाब से कई तरह से क्लासिफाई होता है, कई भागों में क्लासिफाई होता है। पहले साथियों आप ये समझ लीजिए, बाइपोलर डिसऑर्डर में दो सिम्टम नहीं आते हैं। दो सिम्टम में पहला जो हाइपोमीनिया या मीनिया होता है, यह दोनों दो अलग चीजें हैं, लेकिन यह जो है वो खुशी का सूचक है। जब आप बहुत ज्यादा जॉयफुल हो जाते हैं तो या तो आप हाइपोमेनिक होते हैं या आपको मेनिया हो जाता है। इन दोनों बातों के सिम्टम्स सेम हैं, लेकिन ये दो अलग बातें हैं। हाइपोमेनिया में साथियों आपकी स्थिति बुरी होती है, लेकिन बहुत बुरी नहीं होती, लेकिन जब ये खुशी की स्थिति आपकी स्ट्रीम में चली जाती है, जब आप रियलिटी से दूर हो जाते हैं, तो इसको मेनिया कहते हैं। तो एक हो गया हाइपोमेनिया मेनिया, और दूसरा हो गया डिप्रेशन। तो अगर आपको हाइपोमीनिया मीनिया या डिप्रेशन या अवसाद की भावना है, तो वही बाइपोलर डिसऑर्डर का सिम्टम्स होता है। पहला साथियों जो आता है बाइपोलर डिसऑर्डर, वो होता है बाइपोलर वन डिसऑर्डर। बाइपोलर वन डिसऑर्डर में आपके एक मैनिक अटैक होता है, एक मीनिया होता है, और वो फॉलो करता है हाइपोमीनिया या फिर डिप्रेशन से। अगर यह स्थिति आप में हो तो आप इसको बाइपोलर वन डिसऑर्डर क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर साथियों आता है बाइपोलर टू डिसऑर्डर। बाइपोलर टू डिसऑर्डर में आपके एक डिप्रेसिव अटैक पड़ता है, और उसके बाद आपका मूड स्विंग होकर डिप्रेशन में आप चले जाते हो, मूड स्विंग होकर हाइपोमेनिक अटैक पड़ता है, आप जो है बड़ी खुशी में आ जाते हैं, लेकिन आपको मेनिक अटैक नहीं पड़ता, वो अटैक नहीं पड़ता जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाए। यह होता है बाइपोलर टू डिसऑर्डर। एक होता है साथियों साइक्लोथेमिक बाइपोलर डिसऑर्डर। साइक्लोथेमिक बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसा कि नाम ही बता रहा है, साइकल्स में पड़ता है। आपको बचपन से लेके एक उम्र दराज आप हो जाते हैं, आपको साइकिल में पड़ता रहता है। पहले आपको एक हाइपोमेनिक एपिसोड होता है, फिर आपको डिप्रेसिव एपिसोड होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रेसिव ये नहीं होता है। अगर यह स्टीम्स पे नहीं होता है, अगर यह स्टीम्स पे नहीं हो रहा और चाइल्डहुड से आपको हो रहा है, तो इसको कहते हैं साइक्लोमेनिक बाइपोलर डिसऑर्डर। इस तरह तमाम साथियों क्लासिफिकेशन है बाइपोलर डिसऑर्डर के, लेकिन दो तीन हमने आपको जो विशेष हैं वह बताए, ताकि आपको चीज का बात का परेशानी का अंदाजा हो जाए अपने। इसके कारण साथियों, कारण आज तक इसके अननोन है, आज तक इसका कारण नहीं पता है। कारण जेनेटिक भी हो सकता है, कारण एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर साथियों एक बड़ी समस्या है, जो आपको परिवारों से अलग कर देती है। इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हम आपको बताएंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। पहले साथियों यह बता दें, यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर का जो मैनिक अटैक होता है, वो आपको हॉस्पिटलाइजेशन तक ले जाता है। तो आपको डॉक्टर की सलाह से ही दवा लेनी है, बिना डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराए कोई दवा नहीं लेनी है। चलते साथियों बताते हैं आपको बाइपोलर डिसऑर्डर दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों बाइपोलर डिसऑर्डर में आती है, जब मरीज को ताकत कुछ ज्यादा आ जाती है, बहुत ज्यादा ताकत वो अपने में महसूस करता है, वो रेस्टलेस हो जाता है, वो खड़ा नहीं रह सकता है,
आमतौर पर जीवन में वो सुस्त रहता है, लेकिन एकदम से उसका मूड स्विंग हुआ और उसको बहुत ज्यादा ताकत आ गई, वो रेस्टलेस नहीं रह सकता, एक जगह बैठ नहीं सकता। अगर साथियों यह स्थिति है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लीनियम पिकना। लीनियम पिक 32 बूंद दिन में 3 बार आप उसी स्थिति में उस मरीज को दे सकते हैं जो कि बहुत अपने में ताकत महसूस करने लगा हो, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो, एक जगह बैठ नहीं पाता हो और एक जगह खड़ा नहीं रह पाता हो। अगर यह स्थिति है तो उस मरीज के लिए ड्रग ऑफ द चॉइस लीनियम पिक है। एक स्थिति आती है साथियों बाइपोलर डिसऑर्डर में कि आप बिल्कुल सामान्य अचानक आप एकदम से आप नाराज हो गए सामने वाले को, उसके श्राप देने लगे, उस पर गुस्सा करने लगे, उसका बुरा कहने लगे। तो अगर इस तरह का मूड स्विंग साथ के होता हो बाइपोलर डिसऑर्डर में तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है वेरेट्रम एल्बम। आप वेरेट्रम एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार हर उस मरीज को दे सकते हैं जो कि ये बद्दुआ देना, श्राप देना, बुरा कहना, इस तरह का एटीट्यूड किसी का हो, वेरेट्रम एल्बम उस एटीट्यूड को ठीक करके आपको सामान्य करेगी। एक स्थिति साथियों बाइपोलर डिसऑर्डर में आती है जब आप में इतनी ज्यादा ऊर्जा आ जाए कि आप फालतू बात करने लगे, आप बहुत फालतू बात करने लगे, आप इधर से उधर चहलकदमी करने लगे, गाने लगे, करने लगे, लेकिन कुछ ना कुछ बोलते रहे। अगर यह स्थिति साथियों है बाइपोलर डिसऑर्डर में तो आप यह स्थिति ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैनबिस इंडिका। आप कैनबिस इंडिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आप बहुत रेस्टलेस हो, बहुत ऊर्जा महसूस करते हो और हर समय बात करते रहते हो, चुप ना रहते हो, उस स्थिति की दवा कैनबिस इंडिका है। एक स्थिति आती है साथियों आपके कि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं लेकिन वो मूड स्विंग्स बाहर नहीं दिखते, आप महसूस करते हैं कि कभी आप बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत रोमांटिक हो जाते हैं, कभी आप बहुत बोझिल हो जाते हैं, बहुत रूखे हो जाते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, इंडिफरेंस हो जाता है। तो जो आपके मन में स्थितियां परिवर्तित होती है लेकिन ये आपके हाव भाव में सामने वाले को शो नहीं होती, तो अपने मन की स्थितियों को नॉर्मल एक प्लेस पे करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नैट्रम यूरेटिकम। आप नैट्रम यूरेटिकम 1 mg/L की 2-2 बूंद 55 मिनट के फासले पे 3 बार बीजी ले लें। आप देखिए क्या जो मन के अंदर आपके हाव भाव इस तरह के आ रहे चेंजेबिलिटी के या खत्म होंगे और आपके विचार एक लेवल पर आएंगे। एक स्थिति साथियों बाइपोलर डिसऑर्डर में आती कि एकदम से आपका मूड स्विंग हो और आप दूसरे को खुद ज्यादा मारपीट पे उतारू हो जाए। अगर वह स्थिति हो कि आप वायलेंट नेचर आपका अचानक हो जाए एकदम से और फिर वो चला जाए, अचानक आए तूफान की तरह और तूफान की तरह चला जाए, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है बेलेडोना। आप बेलेडोना 2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके बहुत ज्यादा एकदम से आप अग्रेसिव हो जाते हो और एकदम से शांत हो जाते हो। बेलेडोना का मरीज का अचानक गुस्सा भी आता है, वो किसी पे थूकने तक लगता है, इतना गुस्सा आता है, स्प्रिट करने लगता है, तो अगर यह स्थिति हो तो आपका बेलेडोना ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह आपके मूड स्विंग को ठीक करके आपको यूनिफॉर्म फेज पर लाएगा। एक स्थिति साथी वहां आ सकती है आपके सामने कि आपके मन में अंधेरा छा गया हो। मन में अंधेरे का मतलब है सब कुछ बोझिल हो गया, बुझा बुझा हो गया। तो अगर आपके यहाँ बुझा बुझा सा मन हो, बिल्कुल सब डाउन लग रहा हो, कोई उम्मीद ना हो, उस समय भी एक उम्मीद है आपके सामने बाहर होम्योपैथी और उस उम्मीद को पूरा करने की होम्योपैथी दवा है नैट्रम सल्फ्यूरिकम। आप नैट्रम सल्फ 200 पावर में 2-2 बूंद 3 बार ले लें। यह दवा आपके इस जो बुझे हुए मन को ठीक करेगी और आपको बेहतर करेगी। एक साथ स्थिति आती है कि आपको बहुत गुस्सा आया हो बाइपोलर डिसऑर्डर में और आप चीजों को तोड़ने लगे, फेंकने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे। अगर यह आपका अग्रेसिवनेस की यह स्टेज आप में हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है वेरेट्रम एल्बम। अब वेरेट्रम एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपके इस तरह के चीखने चिल्लाने और सामान तोड़ने की स्थिति को ठीक करके आपको सामान करेगी। एक स्थिति आती है साथियों बाइपोलर डिसऑर्डर में जब आप बहुत दुखी हो जाते हो, सैडनेस आपको घेर लेती हो और आप सुसाइड करना चाहते हो, तो अगर यह स्थिति हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है ऑरम मेटालिकम। आप ऑरम में 30 पावर में 2-2 बूंद 3 बार ले सकते हैं। यह दवा जो आपको मूड स्विंग हुआ और आत्महत्या करने के लिए नदी किनारे पहुंच गए, इस कैफियत को खत्म करेगी और आपको ठीक करेगी।
एक स्थिति आती है साथियों बाइपोलर डिसऑर्डर की महिलाओं में कि महिलाओं का आफ्टर प्रेगनेंसी जब उन्होंने बच्चे का डिलीवरी हो गया उसके बाद एकदम से बहुत बुरी टेबल हो गई, उस महिला का घर से भागने का मन करता है, घर छोड़ने का मन करता है और वह घर में परेशान रहती है। तो अगर यह स्थिति है साथियों की आफ्टर डिलीवरी आफ्टर पैचुरेशन महिला को एकदम से बहुत गुस्सा आने लगा हो और वह घर से भागने की बात करती हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है हायोसाइमस निकर। आप हायोसाइमस 200 पावर में दो दिन में 3 बार उस बच्चे को दे सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा इरिटेबल हो गई हो आफ्टर पैचुरेशन। यह दवा उस महिला को शांत करेगी, उसके पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर निभाने में उसकी मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आपने कारोबार में फेल हो गए उसके बाद आप रो रहे हो तब से आपके मूड स्विंग्स होने लगे। तो अगर कारोबार में फेल हो गए आपका काम फेल हो गया बिजनेस फेल हो गया उसके बाद आप परेशान हैं और आपके मूड स्विंग्स होने लगे हैं तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एम्ब्राग्राइस। आप एम्ब्राग्राइस 30 पावर में 2 दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपके मूड को सही करेगी, मूड स्विंग्स को रोकेगी और आपको पुनः जो खोया हुआ कारोबार है, पुनः जो खोया हुआ आपका यश है, पुराना जो खोई हुई आपकी प्रसिद्धि है उसको वापस लाने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों की जब आप कभी अचानक रोते हैं और अचानक हंसने लगते हैं, आपका मूड स्विंग होता है, आप रो रहे हैं आंसुओं से रो रहे हैं, बहुत ज्यादा रो रहे हैं और अचानक आप हंसने लगे, तो अगर यह स्थिति उभरी थी कि आप आंसुओं से रोते हैं उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सीपिया। आप सीपिया 30 दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके आंसुओं को भी रोकेगी और आपको बेहतर बनाएगी। एक साथियों बाइपोलर डिसऑर्डर का कॉज या कारण से स्थिति आती है कि जब आप अपने भूतकाल को अपने बीते वक्त को याद करने लगे उसके बाद आप बहुत दुखी रहते हो, कभी किसी की मृत्यु हो गई हो, कभी कोई हादसा हो गया, उसके बाद से आप एक साइलेंट ग्रीफ की अवस्था में रहें, हर समय आपको एक दुखी माहौल रहे, तो अगर यह स्थिति है आप में बाइपोलर डिसऑर्डर में जो कि मूड स्विंग्स के रूप में है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है इग्निशिया अमारा। आप इग्निशिया 30 दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके इस साइलेंट ग्रीफ की कैफियत को खत्म करेगी जो मूड स्विंग होता है कि एकदम से दुखी 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 चल रहा है और एकदम से खुश हो गए तो इसको नॉर्मल करके आपको खुश ज्यादा रखेगी दुखी कम रखेगी। इग्निशिया बहुत अच्छी दवा है आपके दुख को दूर करने की, बाइपोलर डिसऑर्डर को दूर करने की। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपके बाइपोलर डिसऑर्डर को खत्म करने की, वो बाइपोलर डिसऑर्डर जो आपके जीवन को कठिन बनाता है, यानी कि दवाएं थी आपके जीवन को आसान करने की। आप सिम्टम के हिसाब से दवा को देख सकते हैं, अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं और उससे प्रिस्क्राइब करा के आप कोई भी दवा दे सकते हैं। अगर साथियों आपके मन में कोई क्वेरी आ रहा हो इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी को फॉरवर्ड कर सकते हैं जो कि नीचे इंगित है या फिर आप यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल पर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे आपको आपके सवाल का सबसे समय जवाब दे पाए। आप साथियों के साथ रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।